जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर। मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी के एग्जाम्स की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अभिनय करता है एसएससी जीडी में, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते थे पहले एसएससी जीडी में, अब 20 क्वेश्चन आएंगे। ये नया पैटर्न आया हुआ है, और भी अगर मैं अदर कॉम्पिटिटिव की बात करूं तो उस लिहाज से भी ये सामान्य ज्ञान जो है हर कॉम्पिटिटिव लिहाज से, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका सबका स्वागत करता हूं विजयपथ गवर्नमेंट प्रिपरेशन ऐप पे। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करता हूं। नई संसद भवन का जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी? हमारा जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया है, जैसे ही आप जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो स्थापित किया गया है, यानी कि बीजेपी सरकार के अंदर, तो ये कब लागू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसको बनाया गया है। तो संसद भवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि इसकी जो आधारशिला है वो नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, यानी कि समझते हैं उद्घाटन जो है वो 2023 में किया है, जो कि देश के लिए सौंपा गया है नया संसद भवन 28 मई 2023। ये साल भी 2023 चल रहा है, बस खत्म होने को कुछ ही दिन शेष रह गए मेरे दोस्तों। तो 2023 का महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि 28 मई 2023 को नई संसद भवन का जो है उद्घाटन किनके द्वारा हुआ था? वो हुआ था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नया संसद भवन किस आकार का है? तो त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रायंगुलर है, ये त्रिभुजाकार है, और ये 64,500 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 64,500 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर क्षेत्र में। नए संसद भवन से ही और भी बता देता हूं, इसके जो वास्तुकार हैं वो भी गुजरात के ही रहने वाले हैं, जो कि बिमल पटेल है, और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा जो है वो संसद भवन का निर्माण करवाया गया है। संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा, जो कि बिमल पटेल जो है वो इसके डिजाइनर रहे हैं, उन्होंने इस भवन को बनाया है। नए संसद भवन में राज्यसभा की 384 और लोकसभा की 888 सीटें बना दी गई हैं। इतनी सीटें जो हैं वो बैठ सकती हैं, अभी भी आपको पता है, यानी कि खुला स्पेस बना दिया है पहले से ही कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी। तो उन देखना है अगले साल क्या होता है इलेक्शन के बाद, और तब के लिए जो है वो पहले ही बता दिया है कि ये इतनी इतनी सीटें बना दी गई हैं। नेक्स्ट, संसद भवन में लोकसभा सदन की थीम मोर थीम पर आधारित है। क्या है? संसद में लोकसभा सदन की थीम जो है वो मोर थीम पर आधारित है, ठीक है। मोर मतलब पीकॉक के रूप दिया गया है, मोर, ठीक है। आगे है, संसद भवन राज्यसभा सदन की थीम कमल पर आधारित है। ये कुछ नहीं है, मर क्या है। संसद भवन राज्यसभा की सदन की थीम जो है वो कमल पर है, और लोकसभा की जो है वो मोर पर है, याद रखिएगा। नए भवन में 19 सितंबर 2023 को पहला सत्र बैठा है, याद रखिएगा, पहला सत्र नई संसद भवन में कब बैठा? तो 19 सितंबर 2023 को, जिसमें महिला आरक्षण बिल पास किया गया। पहला बिल इसमें कौन सा पारित किया गया? महिला आरक्षण बिल।
अगला सवाल करते हैं, महिला आरक्षण बिल का आधिकारिक नाम क्या है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम, क्या नाम है महिला आरक्षण का, यानी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, उनको और प्राथमिकता दी जाएगी। जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने हिमाचल पुलिस में भी 30% जो है, 25 से 30% जो है वो सीटें बना दी गई हैं हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उसी प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है वो बनाया गया है महिला आरक्षण में। पुरानी संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी, जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है उसमें क्या था, तो देखिए वो 1921 में बना था, 100 साल पुराना था। कितना था? 100 साल पुराना था। तो पुरानी संसद भवन से जुड़े हुए भी कुछ तथ्य देख लेते हैं। पुरानी संसद भवन का उद्घाटन 1927 में किया गया, इसको बनने में 6 साल लगे थे। पुरानी संसद भवन का डिजाइन जो है हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। किसने किया था? हर्बर्ट बेकर ने। पुरानी संसद भवन का आकार कैसा था? गोलाकार था, अंडे की तरह, मतलब पूरी सर्कुलर थी। ठीक है जी। संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष जो है, यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे, तो उस वक्त थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। तो भारत के संविधान से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनावों आयोग जो है वो 324 अनुच्छेद के तहत आता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद जो है वो 361 है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 है। वित्त विधेयक जो है वो 117 अनुच्छेद में आता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में की जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 जो है अनुच्छेद में आता है, क्योंकि एसएससी में जो है अनुच्छेदों से जुड़े सवाल पक्के पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए आप एक बार जरूर इस वीडियो को देखकर नोट करिए और इनको बार बार वीडियो को देखिए। वीरभद्र मंदिर, वीरभद्र मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए वीरभद्र जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कई हमारे यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर को समझ सकते हैं, मगर ये है आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमाएगा। भारत के प्रमुख मंदिरों का नाम लेता हूं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में। रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में, उड़ीसा की बात कर रहे हैं। ठीक है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा अक्षरधाम। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। महाबौद्धिक मंदिर कहाँ है? बिहार में स्थित है महाबौद्धिक। और चूहों के लिए जो मंदिर है वो बीकानेर राजस्थान में स्थित है। चूहों के मंदिर, चूहों का भी एक मंदिर है बीकानेर राजस्थान में। इसी प्रकार से रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। रघुनाथ मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिण बलेश्वर काली का मंदिर, कल भी हुआ था हमारी पिछली वीडियोस में, एक बार देख सकते हैं आप। तो काली का मंदिर कहाँ है? कोलकाता में। सास बहु मंदिर, देखिए बहुत ही अलग सा एक टेंपल का नाम है सास बहु मंदिर, उदयपुर राजस्थान में है। मामा भांजा मंदिर, देखिए मंदिर भी ऐसे हैं, मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ में है। इसी प्रकार से है लिंगराज मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के व्यू से, उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है जी। इसी प्रकार से अलग आ जाता है नृत्य, जो कि मोंडसे नृत्य कहां से जुड़ा है? तो मोंडसे नृत्य जो है वो है नागालैंड का। तो अब नृत्य से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, आपको ये वीडियो का पैटर्न कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी नहीं लगी जरूर बताइएगा कि एक वीडियो में आपको कितना ज्ञान मिल रहा है। तमाशा, तमाशा कहां का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा कहां का है? महाराष्ट्र का है। सात्रिया कहां पे है? असम का। या शास्त्रीय नृत्य है सात्रिया, तो ये असम का है। डांडिया, डांगी, डांडिया जो है वो गुजरात का है। डांगी कहां का है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार से नाटी हिमाचल प्रदेश की बहुत ही फेमस है, वो भी इधर आना चाहिए था मगर अभी डाला नहीं है। नौटंकी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है।
पिनहारी कहाँ की है? राजस्थान की है। घूमरा कहाँ है? घूमरा जो है वो उड़ीसा का है। इसी प्रकार से घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। बहुत ही अच्छा है ये। मुखोटा चेहरे पर लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश का है। इसी प्रकार से मयूर नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसी प्रकार से मटकी नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को जो है जरूर बोलिएगा कि वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। सुआ नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है मेरे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी नृत्यों से जुड़े हुए कॉम्पिटिटिव में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए कह रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। नेक्स्ट आ जाता है चंदावर का युद्ध। अब युद्ध से जुड़े हुए सवाल हैं ये, आपको देखने से ही पता लग जाना चाहिए युद्ध से जुड़े हुए सवाल कैसे है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1154-94 में, जो कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता, कन्नौज के राजा के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। अब युद्ध से जुड़े हुए प्लासी का युद्ध, क्योंकि युद्ध पर भी एक क्वेश्चन पक्का बनता है, तो ये एक वीडियो ऐसी बनाओ या बनाई है हमने जो कि आपको डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन देगी ही देगी। इसीलिए पेपर में जाने से पहले इन वीडियोस को जरूर देखिए आप हमारे। प्लासी का युद्ध 1757 में है। त्राइन का युद्ध 1191 में है। त्राइन का द्वितीय युद्ध 92 में है। त्राइन का तृतीय युद्ध 1215 में है। ये बहुत दिनों बाद हुआ था, ठीक है जी। हाइपिडिस यानी कि पोरस का युद्ध 326 में है। इसी प्रकार से कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। और आगे देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए 1526 में है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में है। एक 26 में है तो दूसरा 56 में है। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। इसी प्रकार से कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, मैंने पहले भी आपसे डिटेल में बताया है, तो ये कब हुआ था? 1540 में हुआ था। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था, 76 में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है कर मत दो, यानी कि वोट जो है वो कर मत दो, यानी कि टैक्स मत दो का नारा किसने दिया? अगर आपको नॉलेज है तो आप मन में रखें और उसको सोचे, और वही क्या आपका आंसर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कर मत दो का नारा दिया था। तो कुछ प्रमुख नारे हैं, एग्जाम्पल मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने जो है 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में दिया था बैरकपुर छावनी में। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया है। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट आ जाता है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नारे हैं। इसी प्रकार से और बताता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। ये नारा किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल ने नारा दिया है। अगला है आराम हराम है, ये किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने। इसी प्रकार से जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। इसी प्रकार से जय जवान जय किसान जो है, और जय विज्ञान जय अनुसंधान, नोट करिएगा जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। ये भी एक नारा है। ये क्लास जो थी वो स्पेशल एसएससी जीडी को स्पॉन्सर्ड होती है, तो आपको बताएं कि ये क्लास के क्वेश्चंस किस प्रकार के लगे, आपको अच्छे लगे नहीं लगे ये भी बताइएगा, और ऐसी बेहतर वीडियोस के लिए जो है कमेंट करिएगा और इनको नोट करिएगा, याद करिएगा कि पेपर में आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
आ रहे हैं, तो बने रहिएगा विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।